नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में शुक्रवार को अनुदेशकों ने 17,000 मानदेय देने के लिए धरना प्रदर्शन किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग को प्रदर्शनरत हैं अनुदेशकों की मांग है कि उनकी सैलरी जो 17,000 से घटाकर 7,000 कर दी गई है उसे वापस 17,000 किया जाए। आपको बता दें कि 17,000 मानदेय कटौती के विरोध में पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में अनुदेशकों ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में ज्योति शर्मा, पूजा सिंह, नीतू सिंह, विशाल यादव, श्री राम शाही सहित अन्य अनुदेशक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अनुदेशिका नीलिमा शाही ने कहा, जारी करो। मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, मजबूरी हो। 17,000 का शासनादेश जारी करो, जारी करो। 17,000 का शासनादेश जारी करो, जारी करो। नीलिमा शाही सर, हम लोग पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अनुदेशक के रूप में कार्यरत हैं। हम लोग हाई कोर्ट ने हम लोग का मानदेय 17,000 रुपया किया हुआ है, जिसको तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। सरकार जो है इसको मानने के बजाय हमारे मानदेय कटौती की बात कर रही है, हमारा मानदेय काट के दिया जा रहा है। सर, हम इतने बाध्य हैं, इतने उत्पीड़ित हैं कि अगर ये गवर्नमेंट को हमारी बातें सुननी चाहिए, कोर्ट की बातें सुननी चाहिए। अगर वो इसके बाद भी हमारी बातें नहीं सुन रही है तो हम बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि हम इसको अपने धरने को लखनऊ तक लेके जाएं। और सरकार से हमारा अनुरोध है, कहना है कि वो अपनी कम से कम अपनी कोर्ट को सर्वोपरि रखे, उनके आदेश को जल्द से जल्द निर्गत करे, हमारा 17,000 रुपया मानदेय जारी करे। और कम से कम जो वो कटौती कर रही है, हमारे मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, जो हमें पूर्व में सैलरी मिलती थी उसमें भी कटौती किया जा रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ये हमारे साथ किया जा रहा है सर। तो बस हम चाहते हैं, सरकार से दरखास्त है हमारी कि जो 17,000 मानदेय कोर्ट ने आदेश दिया है उसका जल्द से जल्द प्रभाव से उसको लागू करें।